अमेरिकी विदेश विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अपनी सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में धार्मिक असहिष्णुता बीते कुछ दिनों में बढ़ी है। भारत ने रिपोर्ट को खारिज करते हुए अमेरिका से सख्त लहजे में कहा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वोट बैंक का एजेंडा न चलाए और अपना घर संभाले। बता दें कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता की सालाना रिपोर्ट जारी की है। इस दौरान उन्होंने कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। वहां हाल के दिनों में लोगों पर और उपासना स्थलों पर हमले के मामले बढ़े हैं। रिपोर्ट में अलग अलग मामलों का जिक्र करते हुए यह बताने की कोशिश की गई है कि भारत में अल्पसंख्यकों को धार्मिक आज़ादी नहीं मिली है, खास तौर पर मुस्लिम और ईसाइयों के कुछ मामलों को बताया गया है। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि भारत में गैर हिंदुओं को सोशल मीडिया पर हिंदू और हिंदुत्व पर कमेंट को लेकर पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके अलावा अलग अलग राजनीतिक हस्तियों के बयानों का भी इसमें जिक्र किया गया है। अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट पर भारत ने पलटवार किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम अपील करेंगे कि पक्षपातपूर्ण नजरिए के आधार पर किए जाने वाले मूल्यांकन से बचा जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची बताते हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वोट बैंक की राजनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम आग्रह करते हैं कि पूर्वाग्रह पर आधारित और एकतरफा विचारों को इस रिपोर्ट में शामिल न किया जाए। भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और उन्हें पूरी धार्मिक आज़ादी भी दी जाती है, उनके मानवाधिकार का संरक्षण किया जाता है। अमेरिका के साथ बातचीत में हम हमेशा ही नस्ली हिंसा, संप्रदाय विशेष पर हमला करने या गन कल्चर के मुद्दे को उठाते रहे हैं। दरअसल में अमेरिका के विदेश मंत्रालय में एक विभाग है, इसका नाम है ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इस विभाग की ओर से हर साल अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसमें सभी देशों के धार्मिक आज़ादी को लेकर मुद्दे उठाए जाते हैं। ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के अनुसार ये रिपोर्ट संबंधित देश के सरकारी रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट, एनजीओ की रिपोर्ट और बयानों के आधार पर तैयार किया जाता है। इसमें पत्रकारों, समाज सेवियों और सरकारी अफसरों के आधिकारिक कमेंट का भी जिक्र होता है। ये रिपोर्ट अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी कि USCIRF से अलग होता है। दरअसल में यह रिपोर्ट अमेरिका के विदेश मंत्रालय के ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की ओर से तैयार करवाई जाती है, इसलिए इसकी पूरी जिम्मेदारी विदेश मंत्री की होती है। इस रिपोर्ट को बनाने की अगुवाई ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के राजदूत रशद हुसैन ने की। रशद धार्मिक स्वतंत्रता नीतियों के मामले के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रमुख सलाहकार भी हैं। इसके पहले वह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में बतौर विशेष राजदूत भी काम कर चुके हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।